Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to explain about coordinate geometry, class 10. Okay. Introduction class है, इसमें आपको मैं distance formula भी निकालने के लिए बताऊंगी कि distance formula जो है, exact हम उस तक कैसे पहुंचेंगे, ये भी बताऊंगी. First of all, एक बार मैं remind करवा देती हूँ कि ये coordinate क्या होता है. तो जब भी दो या तीन के मतलब कि एक से अधिक के कोऑर्डिनेट से यानी तालमेल से जब कोई चीज़ बनती है तब हम उसे कोऑर्डिनेट करते हैं. ज्योमेट्री में प्रेजेंट करना इट मीन्स क्या होगा कि इसे हम कहीं ना कहीं इस तरीका से किसी फिगर के रूप में ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज़ को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर इस तरह का कार्टेशियन प्लेन में आपको ये पिक्चर इस टाइप की सॉल्यूशन करनी पड़ेगी. बट मैं आपको बोर्ड पे प्लेन में ही बता रही हूँ. पिक्चर जो भी बनाना है जब आप सॉल्यूशन करोगे तो इस तरीका से आपको एक एक्स हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी होगी. इसे हम जो जो मतलब एक्स एक्सिस सॉरी ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं. एक साइड में एक्स होता है और दूसरे साइड में एक्स डैस. और जो वर्टिकल लाइन होते हैं उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं. हम ऊपर में इसे वाई लिखते हैं और नीचे में वाई डैस. ओके दिस इसे हम एक्सिस भी कहते हैं और इसे हम एब्सिसा भी कहते हैं. इसे क्या कहते हैं एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो एब्सिसा. और ये जो वाई एक्सिस एंड ऑल्सो ऑर्डिनेट. ध्यान रखोगे ये चीज कि ये ऑर्डिनेट भी इसे कहते हैं एंड वाई एक्सिस भी कहते हैं. ये वाली जो पॉइंट है ना इसे हम क्या करते हैं ओरिजिन का. ओके अब इसमें क्या है कि 1 2 3 4 चार पार्ट है ना. ये क्या करता है एक प्लेन को चार भाग में बांटता है. तो ये जो लेफ्ट साइड में है ना सॉरी राइट साइड में है ना जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर को इंडिकेट करते हैं. ओके जितने इंटीजर हैं पॉजिटिव वाले इस पे जाएंगे. सिमिलरली जो ऊपर में वाई गया है यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव डिजिट्स जाएंगे. एक्स की लेफ्ट साइड में नेगेटिव डिजिट्स जाएंगे. सिमिलरली वाई के डाउनवर्ड में नेगेटिव डिजिट जाएंगे. अब इससे आपको पता चल गया होगा याद आ गई होगी क्योंकि आप इसे ये जो कुछ थोड़ी बहुत आपने नाइन्थ में भी किया है उसमें आपने क्या किया है कि ये सब कुछ उसमें बताया गया है और प्लॉटिंग करने की उसमें प्लॉटिंग आपने किया था कि ये कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉटिंग करने के लिए बताया गया था. बट इसमें क्या है आपको यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह निकालने के लिए बताई जाएगी. अभी मैं सबसे पहले ये बताती हूँ ये यहाँ पे देख रहे हैं कि इसे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं. इसे क्या कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं. यहाँ पे देख रहे हैं इनकी जो साइन होती है ऑलवेज जब हम ये प्लॉटिंग करते हैं तो इस तरीका से लिखते हैं ऑलवेज एक्स की वैल्यू पहले होती है और वाई की वैल्यू बाद में. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस पर यानी कि राइट साइड में इस साइड में क्या है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. इन दोनों दोनों लाइन में दोनों पॉजिटिव है ना. ये भी और ये भी इसके ऊपर भी पॉजिटिव डिजिट्स हैं इसके ऊपर भी पॉजिटिव डिजिट. दैट्स वाई इस कोऑर्डिनेट ये जो कोऑर्डिनेट में यहाँ का जो ये पेयर्स होते हैं वो इस तरीका से पॉजिटिव पॉजिटिव होता है. अब दूसरे साइड में हम देख रहे हैं कि इधर साइड में पॉजिटिव है बट दूसरे साइड में हमारा एक्स जो है वो नेगेटिव है. तो यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस प्लस. ओके और इसे हम सेकेंड कोऑर्डिनेट करते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट. अब हम चलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में. इसे हम थर्ड कोऑर्डिनेट अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला एक्स वाली भी नेगेटिव और वाई वाली भी नेगेटिव. तो इसको हम माइनस माइनस वाले क्वाड्रेंट कहते हैं. दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट. इसमें देख रहे हैं कि एक्स जो है वो क्या है पॉजिटिव बट वाई जो है हमारा क्या है नेगेटिव. तो इसकी इंडिकेशन इस तरीका से होती है. आगे अगर सपोज दैट कोई नंबर दिया गया हो सपोज दैट दिया गया हो 3 0 है ना y 0 तो तब हमेशा आप ध्यान दोगे इनका जो पॉइंट होगा जो प्लॉटिंग होगी यहाँ होगी. यानी जब x एक्सिस पे कोई प्लॉटिंग की हुई हो आपका जो प्लॉट है वो x एक्सिस पे है इट मीन्स क्या है y 0 है. जब y एक्सिस पे आप y एक्सिस के ऊपर यानी कि y एक्सिस के ऊपर अगर हमारा प्लॉटिंग की हुई है इट मीन्स x
जीरो है, इस बात को ध्यान रखोगे। ओके, अब आगे मैं चलती हूँ, आपको मैं भी आपको कोऑर्डिनेट में किस तरीका से कौन कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं समझ में आ गया होगा। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। अभी तक तो आपने प्लॉटिंग करने के लिए सीखा था, कैसे प्लॉटिंग किया था नाइन्थ में, एक बार मैं बता देती हूँ। सपोज दैट हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू जो गिवेन है वो एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू फाइव, चलो यहाँ फोर देती हूँ, चलो कोई बात नहीं फाइव देती हूँ। ओके, हमारा जो प्लॉटिंग होगा सबसे पहले एक्स कहाँ पे है टू और फाइव, यहाँ पे मैं फाइव बना दी, और फाइव कहाँ पे है यहाँ, यानी ये हमारा पॉइंट होता था। और इस तरीका से अगर हम मिलाते थे, इसका नाम अगर सपोज दैट पी दे दिया, तो इस तरीका से निकाले और ये हो गया हमारा टू। अब मैं आगे आपको बताती हूँ, हाँ एक चीज और मैं बता दे रही हूँ, इसी पॉइंट में अगर सपोज दैट पूछा जाए हमसे कि एक्स यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि ओ और इसका नाम यहाँ ना, इसका मैं नाम दे दूँ ए, तो ओ ए की जो डिस्टेंस है वो क्या है, हम क्या लिखेंगे, ओ ए की डिस्टेंस क्या है, तो क्या लिखेंगे हम, हम क्या लिखेंगे, टू यूनिट वन एंड टू। तो ए ओ ए की जो डिस्टेंस है वो क्या है, टू यूनिट। ओके, अगर सपोज दैट पूछा जाएगा कि ए की वैल्यू क्या है, ए ये जो है ए क्या है, तब हम ए क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम इस तरीका से लिखेंगे टू टू जीरो, यहाँ पे y हमारा जीरो है और x जो है वो टू है। सिमिलरली अगर हमें पूछेगा कि ओरिजिन से यानी O और इसका एक नाम मैं दे दूँ B, OB की डिस्टेंस क्या है, तो OB की डिस्टेंस वी कैन से दैट 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट। अगर पूछा जाए कि B पॉइंट B क्या है, B की वैल्यू क्या है, तो वी कैन राइट दिस 0, 5, इस तरीका से देखिए। अगर हमें P की वैल्यू पूछा तो हम ये आंसर देंगे। तो इस तरीका से आपको मैंने बता दिया कि किसकी वैल्यू क्या होगी। अब मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए बता दूँ, अगर आपको दो मतलब कि यहाँ पे प्लॉटिंग की हो और दो जगह की डिस्टेंस पूछे, वो मैं सारा कुछ पहले भी कर देती हूँ। ओके, सपोज दैट जहाँ मैं आपको ये यहाँ पे नंबर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हमें फॉर्मूला निकालना है, इसलिए मैंने कोई भी नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। सपोज दैट कि इसके डिस्टेंस में एक यहाँ पे पॉइंट है ना, और दूसरा पॉइंट जो है इसके डिस्टेंस में यहाँ ही है। ओके, अब हमसे पूछा अब इस तरीका से, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि प्लॉटिंग कर लेंगे, है ना, इस तरीका से इसे हम प्लॉटिंग कर। ओके, ये कर लिया और दूसरी की भी प्लॉटिंग कर लेंगे, ये भी मैंने कर लिया, चलो। ओके, अगर हमसे बोला जाए कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो, हमें फाइंड करना हो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या, तब हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए सपोज दैट, लेकिन हम इस बात को माने कि ये है, ये पॉइंट जो है वो x डिस्टेंस पे है और ये पॉइंट जो है वो x सॉरी इसे x1 मान लो, इसे x2 मान लो, ये x1 डिस्टेंस पे है और ये x2 डिस्टेंस पे है, और सिमिलरली ये हमारा y1 डिस्टेंस पे है और ये हमारा y2 डिस्टेंस पे है। तो इस तरीका से इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, x1 कॉमा y1, और इसकी क्या हो गई, x2 कॉमा y2, भी कैन ऐसे हम लिखेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि आपसे कोई पूछे कि हम अगर इस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, है ना, तो वी कैन से दैट ये x1 हो
अगर पूछा जाए कि इसके डिस्टेंस को क्या लिखेंगे तो वी कैन से दैट कि क्या है ये x2 है, लेकिन पूछा जाए कि यहां इसे हम क्या लिखेंगे, इसके डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, देन x2 माइनस x1 लिखेंगे ना, कि यानी पूरे में से इस पार्ट को माइनस कर दिया, ये वाली पार्ट का हमें वैल्यू मिल गई। सिमिलरली इसके डिस्टेंस जो है वो क्या है y1, एंड ये पूरे की डिस्टेंस जो है वो क्या है y2। बट हमसे अगर पूछा जाए कि इसके डिस्टेंस क्या होगी, मतलब यहां से यहां तक की, तो क्या लिखेंगे, वी कैन से दैट कि y माइनस y2 माइनस y1 माइनस y1 होंगे ना डिस्टेंस। बट यहाँ की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ की वैल्यू है, यहाँ की वैल्यू है, तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि इसे हम ज्वाइन कर देंगे, ओके, एंड इसका भी एक नाम दे देंगे, इन सब का एक एक नाम दे देंगे। सपोज दैट ये ए हो गया, ए बी हो गया और ये सी। अगर हम पैरलर लाइन इसी के सामने अगर पैरलर लाइन खींचे, यानी ये क्या है, एक स्टैंड है यहाँ पे लाइन, अगर इसके सिमिलर ये लाइन है, इट मींस क्या हो गया, ये वाली जो डिस्टेंस है लेंथ है वो इसके भी है, ओके, एंड दूसरा हमें यहाँ से यहाँ का मिला, इट मींस ये और ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये मतलब इसके बराबर ये, इट मींस x2 माइनस x1 एंड दूसरी साइड y2 माइनस y1। अब कुछ क्लिक किया माइंड में, है ना, अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस की फार्मूला इस पे लगाएंगे और निकालने के बाद, लगाने के बाद हम इसे फाइंड कर लेंगे फार्मूला को, ओके। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AC, हाँ, वेयर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री हो जाएंगे, है ना, एंगल B इक्वल टू 90, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। अब हम देख रहे हैं कि AC स्क्वायर हमें निकालना है, तो AB स्क्वायर क्या है, AB यानी इट मींस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस BC स्क्वायर विच इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके, ये चीज हमें मिल गई यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हमें स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमें तो इनकी लेंथ चाहिए, तो लेंथ हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो AC इक्वल टू हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर अब हमें इस सॉल्यूशन करने की, अब आगे जब आप एक्सरसाइज में यूज करोगे तो हमें सॉल्यूशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें क्या इसी सॉल्यूशन को, मतलब इसी फार्मूला को ले करके हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। आखिर फार्मूला ये बना कैसे, सिर्फ समझाने का कि आखिर ये कैसे कम आउट हुआ, ये कैसे आया, हम क्यों लिखे ये कि x2 माइनस x1, तो रीज़न ये था, उसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी का कॉलरली समझते हैं, अगर बोला जाता है कि इनका इसका जो डिस्टेंस है, इनके कॉलरली में हम देखेंगे कि ये वाली डिस्टेंस पूछे, अगर सपोज दैट ये वाली डिस्टेंस क्या है, है ना, ये वाली OA का डिस्टेंस क्या होगा, OA का डिस्टेंस क्या होगा, इसे हम कॉलरली बोलते हैं, ओके। कॉलरली में बोल रहा है कि ये वाली, अगर हमें ये पूछा जाए कि AO इक्वल टू क्या होगा, तो वी कैन से दैट ये क्या है हमारा x1 है और ये क्या है y1 है, है ना, तो इट मींस क्या हो गया, ये वाली x1 है तो ये वाली y1 हो गया, तो ये क्या हो गया, OA स्क्वायर इक्वल टू
ओ ए, यहाँ पे भी क्या बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ओ ए, इसका कोई एक नाम मैं दे दूं, ओ ए बी, ओ ए डी, ओके, वेयर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ डी, ओ डी की वैल्यू क्या है एक्स वन, एक्स वन का स्क्वायर प्लस में ए डी का वाई वन का स्क्वायर, ओके, देन ओ ए इक्वल टू अंडर रूट ए, इसका स्क्वायर में हम क्या करेंगे दूसरे साइड शिफ्ट कर देंगे। और ये भी फार्मूला आपको जो है इसे हम कॉलरली फार्मूला कहते हैं, ये भी आपका फार्मूला कन्वर्ट हो गया, ये भी आ गया आपका फार्मूला, इसे आपको सॉल्यूशन में ये भी आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आगे का मैं फार्मूला में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर शेयर कर दें। अगर कहीं भी आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया है कि कहाँ पे आपने मतलब कहीं पे भी पॉइंट आपको मेरे से एक्सप्लेन करने हो सकता है, बाई मिस्टेकली मैंने कुछ छोड़ दिया हो, तो प्लीज़ उससे आप कंप्लेंट बॉक्स में जरूर डालें।